किसी अनुभवी लोगों ने कहा है कि लिफाफे को देखकर पता लग जाता है पत्र में क्या लिखा होगा। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी दिल्ली में और कांग्रेस ने अपने राज्य स्तर के नेताओं को पूरे देश से बुला लिया है। बड़ी मीटिंग है कांग्रेस की और बहन जी भी दिल्ली में ही हैं। अब इसके आगे का न्यूज हमारे दर्शकों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन बड़ी खबर लेकर मैं प्रस्तुत हूं। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज बिहार सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राज्य के जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया, यानी सरकारी नौकर बना दिया, सरकारी राजकर्मी बना दिया उनको। शर्त रख दी कि बीपीएससी स्तर के परीक्षाएं होगी और उनको 3 चांस मिलेगा, और अगर 3 बार में भी वो फेल हो गए तो उनके लिए कमिटी बना दी जाती है और कमिटी उनको नौकरी से तो नहीं निकालेगी, परंतु वो सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे, उनका स्तर थोड़ा सा नीचे रहेगा। इस तरह के बहुत सारे कंडीशन लगाए गए हैं। दूसरी अफवाह है या सच्चाई, लेकिन कहा जा रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं। जो विरोधी दल हैं, जो उनके सामने राइवल्स पॉलिटिकल पार्टी है, वो ये कह रही है कि ये जदयू जो है अब खत्म होने जा रही है, भंग होने जा रही है, आरजेडी में ये मिला रहे हैं, नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये लालू प्रसाद यादव जी की साजिश है। ये सब तो बिहार में चल रहा है। दिल्ली में तमाम मीडिया की निगाहें, जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सबकी निगाहें, सबकी नजर बहन मायावती जी और कांग्रेस के बीच क्या होने वाली है इस पर टिकी हुई है। लेकिन विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है, बहन जी मान जाएंगी। इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी आ रही हैं, लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद भी होंगे साथ में, आरएलडी के जयंत चौधरी भी होंगे। अखिलेश यादव जी को मनाया जाएगा, तब जाके उत्तर प्रदेश में मजबूत इंडिया गठबंधन होगी। हमारे दर्शकों का क्या मानना है, आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के ऊपर भी लोगों की नजर रहती है कि आम जनता का क्या ओपिनियन है, क्या राय है। अगर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी आरएलडी के प्रमुख, चंद्रशेखर आजाद और बहन मायावती जी सबके सब एक जगह आ जाते हैं तो क्या भाजपा का मुकाबला होगा? चर्चा यह भी है कि बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन का फेस बना दिया जाए, इस पर काफी जोर है लोगों का। ये तो रिपोर्ट निकलकर आएगी जब बैठक में फैसला हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे महारथी दिल्ली पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और चर्चाओं का जो बाजार है वो काफी गर्म है। कहा जाता है बहन जी को भी मनाना है, अखिलेश यादव को मनाना है। यहां पर दिक्कत यह है, चंद्रशेखर आजाद अगर होंगे इस गठबंधन में, बहन मायावती जी को कोई एतराज तो नहीं। और रही बात यह, अगर बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन का चेहरा बनती हैं तो अखिलेश यादव को कोई एतराज तो नहीं। चर्चा तो यह भी है कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और गठबंधन काफी लेट हुआ। नेताओं ने तो गठबंधन कर लिया था, परंतु बसपा के कार्यकर्ता और सपा के कार्यकर्ता आपस में गठबंधन नहीं कर पाए थे। कोशिश यह है, बसपा के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और आरएलडी के कार्यकर्ता सबको समय से पूर्व यह बता दिया जाए कि इंडिया गठबंधन की जो चेहरा है प्रधानमंत्री पद की, वो बहन मायावती जी हैं और हमें भाजपा को हराना है। यह संदेश जनमानस में और जमीनी कार्यकर्ता तक पहुंच जाए समय से पहले, वो तैयारी कर ले।
बस गिला एक बात का है कि बहन मायावती जी ने कहा हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है परंतु दूसरे दलों का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता। और सपा का भी यही शिकायत है कि बसपा का ट्रांसफर नहीं हुआ वोट, इसलिए हमको 5 सीट ही मिला था जबकि उनको 10 मिला था। इसका मतलब है कि हमारा वोट उनके पास तक गया था और जो दलित वोट है, जो बसपा का कैडर वोट है, वो मेरे पास नहीं आया। अब यहां पर दो चेहरे और भी हैं, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी। ये दो अगर गठबंधन में होते हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद को 1 सीट दिया जाए, क्या चंद्रशेखर आजाद बहन मायावती जी के लिए वोट मांगेंगे? पूरा का पूरा जो एससी एसटी कुंडवा है उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का कह लेते हैं, सब एक जगह आ जाएगा? इस तरह की तैयारियां शुरू हो गई है। अब ये फलित कितना होता है, सब के सब मान जाते हैं अथवा नहीं? कांग्रेस की ये पहल है। कांग्रेस उससे पहले अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मीटिंग ले रही है। मीटिंग में वो फीडबैक लेगी कि बहन मायावती जी को लाना जरूरी है या नहीं, क्योंकि अभी तक जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें बहन मायावती जी का नाम नहीं था। बहुत सारी जो है बातें भी हुई, चर्चाएं भी हुई, जिस पर बहन मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया। उन्होंने कहा भी कि जो लोग इंडिया गठबंधन में नहीं है उनका नाम लेकर उनके ऊपर कोई खास टिप्पणी जो किया जाता है इससे आप बचे। अब बहन मायावती जी एक्टिव होकर पहुंच चुकी है। लोगों का रुझान इस बात से है, जानने की कोशिश लोग इस बात का कर रहे हैं, 15 जनवरी को बहन मायावती जी का जन्मदिन है। वो अक्सर जो है साल के अंत में 15 जनवरी तक वो लखनऊ में हुआ करती थी, लेकिन इस बार ऐसी क्या खास बात है जो बहन जी दिल्ली पकड़ ली, पहुंच चुकी हैं? चलिए, बहन मायावती जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं, हो सकता है कोई भी खास कारण हो, लेकिन अचानक जब बिहार के कांग्रेसी कार्यकर्ता और जो देश भर के, जो राज्य स्तर के, प्रदेश अध्यक्ष स्तर के कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हमें दिल्ली बुलाया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी, हम लोगों से फीडबैक लेंगे, हमारी अपनी मीटिंग है, तो यहां पर चौंकने वाली बात आ जाती है कि कांग्रेस कोई बड़ा खेला तो नहीं करने वाली है। कांग्रेस को कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि बगैर बहन मायावती जी का इंडिया गठबंधन अधूरा है। और क्यों नहीं, जब हमने शुरू में ही कह दिया कि हम सत्ता के लालची नहीं है, हम प्रधानमंत्री चेहरा नहीं बनना चाहते हैं। हां, जो सहयोगी दल हैं उन्होंने जबरदस्ती का प्रस्ताव पारित कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और सबका विचार बन जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बजाय बहन मायावती जी को चेहरा बना दिया जाए, बहन जी को सौ सम्मान इंडिया गठबंधन में लिया जाए, हो सकता है 40 सीट बहुजन समाज पार्टी को ना मिले उत्तर प्रदेश में, 25 सीट ही मिले, 30 सीट ही मिले अथवा 20 सीट मिले, और बाकी जो उनकी डिमांड है सीट की अन्य राज्यों में देकर बसपा का कोटा पूरा कर दिया जाए। क्या बहन मायावती जी मान जाएंगी? और लोगों ने संभावना जताई है बहन जी मान जाएंगी, इसीलिए वो चाहती है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, और इसी वजह से वो दिल्ली पहुंच चुकी है समय से पूर्व। और 1 जनवरी जो नया साल आने वाला है, नया साल से पहले हो सकता है कि चौंकाने वाली खबर आपके सामने आ जाए। इंडिया गठबंधन का एक मजबूत चेहरा और पूरा का पूरा विपक्ष एक जगह आपको नजर आ जाए। जो कहा जाता है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज कहने के लिए एक बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा पक्ष है, हिस्सेदारी है, लेकिन जब यह बिखरी हुई रहती है तो यह जीत नहीं पाती। लेकिन जितने नाम हमने गिनाए हैं ये सब के सब आ जाते हैं और सब के सब जमीन पे उतर जाते हैं भाजपा के से लड़ने के लिए। क्या भाजपा के लिए लड़ाई टफ हो जाएगी?
हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।